ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सरकार उनकी मांगे मानने के मूड में नहीं लग रही। कर्मचारी ने बताया कि अभी तो सोमवार तक इन्होंने हड़ताल करने का निर्णय लिया है, लेकिन अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी। ऐसा है कि सरकार हमें एक तो सातवां आयोग देने से मना कर रही है। हमारी ये डिमांड है कि हमें सातवां वेतन आयोग के लाभ दिए जाएं। सरकार सातवां वेतन आयोग नहीं दे रही है। इसके अलावा जो हमारे कई भत्ते हैं वो भी सरकार देने से मना कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें वो भी दे, सातवां वेतन आयोग दे, कैशलेस सुविधा है वो भी दे। सरकार के जो बार बार वादे करने के बाद भी NHM कर्मचारियों की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा। इसमें RTS के ड्राइवरों का अलाउंस भी था, हमारे बहुत सारे भत्ते भी थे जो सरकार ने मतलब बोलने के बाद भी हमारे बत्तों को मार लिया। और अब क्या करने जा रही है सरकार? सरकार ने हमें बायलाज दिए थे 1 जनवरी 2018 को, उन बायलाज को भी सरकार वापस लेने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों को दोबारा से इतनी बड़ी वित्तीय हानि होगी कि जिसके बारे में सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा कि काफ़ी कर्मचारी तो हैंड टू माउथ की जॉब करते हैं, वो सारे कर्मचारी कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार चाह रही है कि ये जहर ही खा के मर जाए, इससे अच्छा तो हमें पैसे ना देने पड़े। ये सरकार की मंशा हो रही है आज की डेट में, इसलिए हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। हड़ताल सोमवार तक की हम वेट करेंगे। सोमवार तक अगर हड़ताल में कुछ नहीं निकल के आता तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। यमुनानगर के कल 482 कर्मचारी स्ट्राइक पे थे, आज उसमें कर्मचारियों में बढ़ोतरी हुई है। RTS के सभी साथी हमारे साथ आज जो सक्रिय साथी हैं RTS के यहाँ पहुँच चुके हैं। आज कुछ कम आए हैं, थोड़े और कल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन RTS हमने कल चलवा के रखा था जानबूझ के, ताकि एक दिन सरकार की वेट कर ले, कोई सरकार शायद हमारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। लेकिन सरकार को कल भी ये बात समझ में नहीं आई कि इसलिए आज RTS को हमने बोला कि आज ये साथी हमारे साथ दोबारा धरी कर। NHM कर्मियों की हड़ताल से अस्पतालों में कई सेवाएं प्रभावित रही हैं, जिससे मरीजों और उनके तामीरदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहरहाल देखना होगा कि सरकार आखिर कब तक इनकी मांगों को सुनती है। पंजाब के सटीवी के लिए यमुनानगर से कुलकर भारद्वाज की रिपोर्ट।